नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस के आयुर्वेद वाला सीरीज में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के गर्भ शरीर के अंतर्गत शुक्र दोष की बात करेंगे। तो शुक्र दोष को जानने से पहले कहीं ना कहीं हम अगर शुक्र के जनरल फीचर्स या प्रशस्त शुक्र के बारे में जान ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स में शुद्ध शुक्र या प्रशस्त शुक्र के बारे में एक टॉपिक बनाया है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रशस्त शुक्र के बारे में जानते हैं कि शुद्ध शुक्र होता क्या है। तब उसके हम लोग जब नॉर्मल कंडीशन जान जाएंगे कि जब हेल्दी कंडीशन सब जो शुक्र होता है, हेल्दी स्टेटस होता है, उसके बाद हम लोग उसके दोष के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं शुद्ध शुक्र या प्रशस्त शुक्र बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखते हैं। यहाँ सुश्रुत ने बोला है स्फटिक आभम, मीन्स स्फटिका के समान। स्फटिक आभम, आभम मीन्स होता है उसके समान वर्ण का, आभा मीन्स होता है वर्ण, मीन्स स्फटिक के समान आभा वाला, अर्थात स्फटिक के समान श्वेत वर्ण, द्रव मीन्स लिक्विड की बात कर रहा है, मतलब स्फटिक के समान श्वेत, ठीक है। स्फटिक आभा मीन्स एक तरह से श्वेत वर्ण, ठीक है, स्फटिक के समान वर्ण अर्थात श्वेत वर्ण। द्रव, द्रव की बात कर रहा है, मीन्स ये थोड़ा सा लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। स्निग्ध, स्निग्ध मीन्स होता है टच, उसका जो टच होता है वो बहुत ही स्निग्ध होता है, अर्थात स्मूथ, स्मूथ। मधुर, मधुर की बात जो कर रहा है एक तरह से टेस्ट बता रहा है। टेस्ट क्या है, टेस्ट इसका क्या है, स्वीट है, स्वीट, स्वीट है। और इसका जो मधुर, मधुगंधी, मधुगंधी क्या है, अर्थात जो गंध है, स्मेल क्या है, एक तरह से मधु के समान है, हनी की तरह, हनी की स्मेल के समान इसका गंध है, मीन्स मधुगंधी, मीन्स मधु के गंध के समान इसका गंध है। ये कहने के मतलब ये आभा हो गया, ये कलर हो गया, ये है आपका कलर, ये है आपका जो इसका स्टेटस है कि लिक्विड है, सॉलिड है या गैस फॉर्म में है, इसका मतलब लिक्विड फॉर्म में है। ये एक तरह से टच है, स्निग्ध है अर्थात स्मूथ है, मधुर था टेस्ट की बात कर रहा है, और मधुगंधी अर्थात इसके गंध के बारे में बात कर रहा है। ये चरक का मत है, बट इनमें देख रहा है इसी के दूसरे लाइन देखेंगे, शुक्रम इच्छन्ति केचित्तु, मतलब केचित्तु मतलब होता है किसी अन्य के मत से, केचित का मतलब होता है अन्य के मत से, अन्य के मत से, केचित का मतलब होता है अन्य के मत से। शुक्रम इच्छन्ति केचित्तु, मीन्स शुक्र जो होता है अन्य के मत से क्या होता है, तैल छौद्र निभम तथा, मीन्स उसका जो कैसा वर्ण होता है, तैल अर्थात तिल तैल, छौद्र अर्थात शहद के समान, शहद के समान इसका वर्ण होता है। तो तैल का मतलब यहाँ बात किया गया है तिल तैल, तिल तैल, और छौद्र का मतलब शहद, शहद के समान वर्ण, ये यहाँ पर बात किया गया। ये बात थी सुश्रुत की। आइए बात करते हैं, चरक ने भी कुछ शुद्ध शुक्र के बारे में बोला है, तो देखेंगे कि स्निग्धम, यहाँ स्निग्ध का मतलब होता है टच, तो हम लोगों ने बात किया था स्निग्ध मतलब उसमें घन, घन का मतलब होता है कंसंट्रेटेड, घन की बात कर रहा है तो कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट होता है, पिच्छिल अर्थात चिपचिपा होता है, और मधुर इसका जो टेस्ट होता है वो मधुर होता है, तो टेस्ट में मधुर यहाँ बताया गया था, स्वीट था, तो ये टेस्ट है। और अविदाही मीन्स उसमें विदाह नहीं होता है, अविदाही होता है, विदाह नहीं होता, अविदाही का मतलब विदाह या इसमें नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रेतम शुद्धम विजानियात, यानी शुद्ध रेतस होता है, रेतस मतलब होता है शुक्र, रेतस मतलब शुक्र, रेतस का मीनिंग क्या होता है, शुक्र। रेतम शुद्धम विजानियात, शुद्ध शुक्र जानना चाहिए। और भवेत स्फटिक सन्निभम, इन्होंने भी बताया कि स्फटिक के समान ये श्वेत होता है, तो स्फटिक के समान, स्फटिक के समान जो श्वेत वर्ण है वो है शुक्र के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्रशस्त शुक्र या शुद्ध शुक्र के बारे में कुछ ये बातें कही गई है, कही गई है। आइए बात करते हैं कि जब हम लोगों ने प्रशस्त शुक्र देख लिया, जो भी शुक्र यहाँ बताया गया है ये गर्भ के उत्पादन से संबंधित है। ये शुक्र की जो बात कर रहे हैं ये रिस्पांसिबल होता है गर्भ के लिए, अर्थात एक बीज के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है,
बीज की जब बात करते हैं तो शुक्र और श्रोणित दोनों बीज होते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं तो ये गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो एक तरह से गर्भ के बीज के लिए शुक्र के रूप में यहाँ प्रयुक्त किया गया है। अब आइए बात करते हैं, जब इसके नॉर्मल कंडीशन की बात कर लिया, प्रशस्त कंडीशन की बात कर लिया, अब बात करते हैं हम लोग इसके एबनॉर्मल कंडीशन, इसके दोष कौन कौन से होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ देखेंगे कि जो शुक्र दोष की संख्या होती है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शुक्र दोष की संख्या। तो शुक्र दोष की संख्या हम लोग याद कैसे करते हैं, तो शुक्र दोष की संख्या को देखेंगे, सुश्रुत ने बोला है, भेल ने बोला है, अन्य सभी में चरक भी काउंट होते हैं, अन्य सभी में चरक भी काउंट होते हैं, ठीक है, चरक को भी लिया गया है। तो यहाँ शुक्र दोष की संख्या देखेंगे तो सुश्रुत ने बोला है 11, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुक्र दोष की संख्या, चरक ने बोला है 11, भेल ने बोला है 7 और अन्य सभी अर्थात चरक को लेते हुए उन्होंने 8 बोला है। तो सुश्रुत के 11, भेल के 7, अन्य सभी के 8, अन्य सभी में आपके चरक भी आ जाएंगे। अगर चरक के कारण शुक्र दोष की संख्या पूछे तो हम लोग का आपसे हो जाएगा 8 शुक्र दोष होते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं सुश्रुत के 11, भेल के 7, अन्य सभी के 8 इंक्लूडिंग चरक। अब आइए देखते हैं कि सुश्रुत का सबसे पहले वर्णन करते हैं, सुश्रुत का शुक्र दोष की बात करते हैं, मीन्स शुक्र दोष में देख रहे जो 11 संख्या है कैसे है, यह देखेंगे वात पित्त श्लेष्म, वात पित्त श्लेष्म, तो यहां देखेंगे वात इसके नाम के आगे लिख देंगे वात नंबर 1 नंबर हो जाएगा, पित्त दोष से 2, श्लेष्म जो है 3, सूडी जो है 4, कुड़क जो गंधी 5, ग्रंथि जो है 6, पूति जो है 7, पुई जो है 8, छीर जो है 9, मूत्र जो है 10, पुरी जो है 11। तो देख रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ जो इसके दोष हैं एक तरह से 11 होते हैं, तो सुश्रुत ने बोले हैं 11। तो आइए वन बाई वन बात करते हैं कि ये जो है वात पित्त श्लेष्म सोड़ी कुड़प गंधी ग्रंथि पूति पुई छीण मूत्र पुरुष, इसके बाद देखेंगे जब ये संख्या समाप्त हो जाती है तो क्या था, रेतसम प्रजोत्पादने न समर्था भवंती। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि अगर शुक्र दोष से पीड़ित अगर शुक्र जो है दोष से युक्त है, अगर शुद्ध शुक्र नहीं है, शुक्र दोष से युक्त है तो क्या होगा, रेतसम मीन्स शुक्र, रेतस मतलब शुक्र, प्रजो उत्पादने तो प्रजा मतलब क्या होता है, प्रजा मीन्स होता है संतान, तो प्रजो उत्पादने न समर्था भवंती मीन्स प्रजा उत्पादन में अर्थात संतान की उत्पत्ति में समर्थ नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर शुक्र दोष से पीड़ित है, दोष से युक्त है तो अर्थात जो है प्रजा उत्पादन में समर्थ नहीं होता है अर्थात संतान उत्पत्ति नहीं होता है, या होगा तो फिर कुपित संतान होगा, कहीं ना कहीं दोषों से ग्रसित संतान होगा, कुछ ऐसी स्थिति आएगी। अब बात करते हैं कि एक एक करके की वाक के बारे में, यहाँ देखेंगे वात मतलब वात दोष से पीड़ित जो आपका ये शुक्र है, तो वात दोष से पीड़ित शुक्र होगा, इसमें वात से संबंधित दोष होंगे अर्थात रुच्छ शीतो लघु जो गुण होते हैं वात के, उसी के कारण उसके दोष लक्षण आएंगे। वात दोष से पीड़ित जो शुक्र होगा उसके लक्षण रुच्छ शीतो लघु विशद खर इत्यादि जो है ये उसके वात दोष से पीड़ित जो शुक्र होगा उसमें ये लक्षण आएंगे। उसी तरह से पित्त देखेंगे, उसी तरह से कफ देखेंगे, मीन्स वात पित्त कफ एक तरह से जो दोष के लक्षण होते हैं उसी के अनुरूप उनके लक्षण शुक्र में भी आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं रक्त, फिर एक है रक्त, रक्त के जो दोष होते हैं लगभग पित्त के समान होते हैं तो उसके भी लक्षण कहने का पित्त की तरह आएंगे, पित्त के जो दोष होते हैं उसी के अनुरूप रक्त दोष से पीड़ित शुक्र के लक्षण में आएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट कुड़प गंधी, तो कुड़प गंधी का क्या मीनिंग है, कुड़प गंधी, कुड़प गंधी तो कुड़प का मतलब होता है डेड बॉडी, जैसा डेड बॉडी की स्मेल होता है मुर्दा या डेड बॉडी के स्मेल
कि गंधकी जैसा ये गंध होगा, तो कूड़ागंधी समझ गया। फिर ग्रंथि कह रहा है, ग्रंथि ग्रंथि, तो कूड़ागंधी में जो दोष का इन्वॉल्वमेंट होगा उसके बारे में देखते हैं। कूड़ागंधी में जो दोष का इन्वॉल्वमेंट होगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जो कूड़ागंधी है वो आपका रक्त दोष की वजह से होता है। तो कूड़ागंधी जो दोष इन्वॉल्वमेंट है वो है रक्त दोष। कूड़ागंधी में जो दोष का इन्वॉल्वमेंट है वो रक्त दोष की वजह से इसमें मूर्द जैसी गंध आती है। ग्रंथि में देखेंगे तो ग्रंथि में होता है गांठदार, ग्रंथि मतलब होता है कि एक तरह से गांठदार, गांठदार अगर शुक्र हो जाए, बहुत कंसंट्रेट इसका नेचर होता है लेकिन हाइपर कंसंट्रेशन हो जाए तो उसको हम लोग गांठदार बोलेंगे। इसमें दोष का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे तो यहां देखेंगे श्लेष्मवात, श्लेष्मवात मीन्स दोष क्या है, श्लेष्मवात कफ और वात, श्लेष्म और वात, इसको हम लोग देख सकते हैं कि कूड़ागंधि में है रक्त दोष का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। उसके बाद ग्रंथि में क्या है, कफ और वात है, कफ और वात है। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पूति, तो पूति का मतलब समझ लेंगे। पूति पूति मतलब दुर्गंधित, तो पूति में होता दुर्गंधित, दुर्गंधित दुर्गंधित, इसमें दोष का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। पित्त श्लेष्म, पित्त और श्लेष्म दोनों में क्या है, इन दोनों में पित्त और कफ, इसमें देखेंगे जो दोष है पित्त प्लस कफ का इन्वॉल्वमेंट, पित्त और कफ का इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट देखेंगे पुई, पूति के साथ शब्द है पुय, पुय पुई में होता है कि इसमें जब पस की कंडीशन आ जाए, तो ये पस की संबंध कंडीशन है और पस वाले में कौन सा दोष का इन्वॉल्वमेंट है, मीन्स पुई में दोष का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। तो इसमें भी पित्त और कफ का इन्वॉल्वमेंट है, मीन्स पित्त और कफ दोनों में, पूति में और पुई दोनों में आपका पित्त और कफ का इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट देखेंगे जो एक तरह से शुक्र दोष है वो है आपका छिड़, तो छिड़ जो है, छिड़ का मतलब होता है अल्प मात्रा, छिड़ का मतलब क्या होता है, अल्प मात्रा, अल्प मात्रा मीन्स मात्रा कम हो जाना, अपनी मात्रा के अनुरूप कम होना। तो उसमें देखेंगे कि उसमें दोष का जो इन्वायरमेंट है छिड़ में, पित्त और वात, इसमें क्या होता है, पित्त और वात दोष का इन्वायरमेंट होता है। तो यहां लिख देंगे छिड़ में पित्त और वात। और उसके बाद देखेंगे कि मूत्र पुरुष गंधी, तो मूत्र गंधी, तो कह रहा है मूत्र पुरुष गंधी, मूत्र गंधी देखेंगे, मूत्र गंधी और पुरुष गंधी, पुरुष 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 गंधी, वन बाय वन देखेंगे। तो मूत्र गंधी का मतलब अगर शुक्र के साथ मूत्र का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, या मूत्र के साथ मूत्र का जो स्मेल है शुक्र के समान हो जाए, वो तब होगा कहीं ना कहीं जब मूत्र, जब शुक्र से के साथ साथ मूत्र का भी उत्सर्जन होने लगे, तो उसको कहेंगे मूत्र गंधी, मूत्र गंधी। और ये दोष होता है एक तरह से सन्निपातज, सन्निपातज ठीक है, तीनों दोषों की आवश्यकता होती है इसमें, तो सन्निपातज होता है। इसी तरह से पुरुष गंधी शुक्र का मतलब होता है कि शुक्र दोष जो है उसमें पुरुष शुक्र के स्मेल में, जब पुरुष का स्मेल आने लगे, तो दिया हुआ है पुरुष गंधी मीन्स कि फीकल मैटर के साथ अगर वो रिलीज हो, दैट इज कॉल्ड पुरुष गंधी, और इसमें जो दोष है ये भी सन्निपातज होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक एक देखा कि कौन कौन सा शुक्र दोष है, उसमें कौन कौन से उसका एक एक क्या मीनिंग क्या है, और एक एक में क्या क्या दोष का इन्वॉल्वमेंट है। अब इतना होने के बाद हम लोग देखते हैं कि अगर शुक्र दोष है, दोष है इसका मतलब इसको ठीक भी करना है, इसकी कुछ चिकित्सा भी बताई गई हो। चिकित्सा को करने से पहले कहीं ना कहीं ये जानना जरूरी है कि कौन सा रोग या शुक्र दोष या रोग साध्य है, कौन सा असाध्य है, या कौन सा याप्य है, इसके बारे में देखेंगे। तो मतलब उसमें भी देखेंगे कि सुख साध्य है कि कष्ट साध्य है कि याप्य है। तो आइए बात करते हैं शुक्र दोष की साध्यता और असाध्यता, मीन्स कौन सा साध्य है और कौन सा असाध्य है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से साध्य साध्य है, इसमें वन बाय वन देखेंगे। कूष्ठ
कुड़प गंधी, पहला पॉइंट है कुड़प गंधी मीन्स मुर्दे के गंध के समान। दूसरा है ग्रंथि, ग्रंथि मीन्स होता है हाइपर कंसंट्रेटेड हो जाए, मीन्स गांठदार हो जाए। और तीसरा देखेंगे पूति, पूति का मतलब होता है दुर्गंधित होता है। और पुई का मतलब होता है कि इसमें पित्त और कफ का इन्वॉल्वमेंट की वजह से पस का निर्माण होता है, इसमें पस बनते हैं। और छीड़, छीड़ पित्त दो, छीड़ जो होता है इसमें देख रहे होंगे पित्त और वात की प्रधानता से छीड़ ऐसा अल्प मात्रा में। ये चार है कुड़प गंधी, ग्रंथि, पूति, पुई और छीड़। तो इस तरह से पांच जो है कृच्छ साध्य है। कृच्छ साध्य का मतलब इसको हम लोग कष्ट साध्य भी कहते हैं। तो कृच्छ साध्य का मतलब कष्ट साध्य है। पांच जो है कष्ट साध्य है, कृच्छ साध्य है, कुड़प गंधी, गंधी, ग्रंथि, पूति, पुई और छीड़ कृच्छ साध्य। उसके बाद देखते हैं मूत्र गंधी, पुरुष गंधी। इसको हम लोग सिर्फ मूत्र पुरुष लिखे हैं। यहाँ क्या है मूत्र गंधी, पुरुष गंधी अर्थात मूत्र के गंध के समान और पुरुष के गंध के समान वाला जो शुक्र होता है वो असाध्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि असाध्य कौन सा है, तो मूत्र गंधी, पुरुष गंधी असाध्य होता है। उसके बाद देखेंगे शेष बचे हुए, इसका मतलब पांच क्या थे, पांच आपके कृच्छ साध्य थे, दो आपके क्या थे असाध्य थे, पांच दो सात, बचे कितने चार। तो शेष सभी मीन्स होता है बचे हुए चार, मीन्स वात, पित्त, कफ और रक्त। तो वात, पित्त, कफ, रक्त बच गए, ये सभी क्या है, ये साध्य हैं। तो शेष सभी साध्य होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि शुक्र दोष कौन सा साध्य है, किसकी हम चिकित्सा करेंगे अगर शुक्र दोष से इन्वॉल्वमेंट हो गया, शुक्र दोष से दूषित हो गया है, तो कौन से दोष से युक्त की हम लोग चिकित्सा करेंगे। तो देखेंगे जो शेष सभी वात, पित्त, कफ और रक्त जो शुक्र होते हैं, दोष दूषित रक्त जो जो, जो शुक्र होते हैं, उनकी चिकित्सा करेंगे। ठीक है, इसकी चिकित्सा हम करेंगे और कृच्छ साध्य की भी चिकित्सा करेंगे, लेकिन असाध्य वाला जो है मूत्र पुरुष गंधी है उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे, वो ठीक ही नहीं होगा। अब देखते हैं कि इसमें सिर्फ कृच्छ साध्य, असाध्य और साध्य की बात किया है। ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी शुक्र दोष याप्य नहीं होता है। तो नीचे लिखा हुआ है कोई भी शुक्र दोष याप्य नहीं होता है। तो याप्य का मतलब ये होता है कि जब तक उस दोष की के कारण का निवारण करेंगे या चिकित्सा करेंगे तब तक तो ठीक रहेगा, जैसे ही चिकित्सा कर्म छोड़ देंगे पुनः वो दोष या पुनः रोग वापस आ जाता है, तो उसको बोलते हैं याप्य, याप्य बोलते हैं। तो इस तरह से इसमें कोई भी शुक्र दोष याप्य नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शुक्र के अकॉर्डिंग हम लोगों ने शुक्र दोष की संख्या 11 देखी, वन बाई वन देखा। अब देखते हैं चरक के अकॉर्डिंग जो 8 है, चरक के अकॉर्डिंग अन्य सुश्रुत के 11, भेल के साथ अन्य सभी के 8। तो अन्य सभी में हम लोगों ने चरक को भी इंक्लूड किया था। चरक के अकॉर्डिंग देखते हैं शुक्र दोष किस तरह से 8 संख्या होती है। तो यहाँ पर एक सुंदर सा श्लोक दिया हुआ है, फेनिलम तनु रुच्छम च, फेनिलम तनु रुच्छम च विवर्णम पूति पिच्छिलम च, फेनिलम तनु रुच्छम च विवर्णम पूति पिच्छिलम अन्य धातु उपसृष्टम अवसाद आदि तथा अष्टमम। मीन्स कि यहाँ पर टोटल संख्या 8 बता दी गई है फेनिलम। तो फेनिलम देख रहे होंगे एक नंबर, फेनिलम एक नंबर, तनु दूसरे नंबर पे हो गया, रुच हो गया तीसरे नंबर पे, और विवर्ण हो गया चौथे नंबर पे, पूति हो गया पांचवें नंबर पे, पिछलम हो गया छठवें नंबर पे, और अन्य धातु उपसृष्टम एक साथ ले लेंगे ये हो जाएगा सातवें नंबर पे, और अवसाद से ग्रसित जो शुक्र होगा उसको हम लोग आठवें नंबर पे देंगे। तो इस तरह से ये 8 संख्या ने काउंट कर दिया, फेनिलम तनुरुच्छम च विवर्णम पूति पिच्छलम अन्य धातु उपसृष्टम अवसाद आदि तथा अष्टमम। ये रेफरेंस है आपका चरक चिकित्सा 30 का, चरक चिकित्सा 30 का 139 नंबर श्लोक है, चरक चिकित्सा 30 का 139 नंबर का श्लोक है, चरक चिकित्सा 30। ये चैप्टर का नाम है योनि व्यापद अध्याय, योनि व्यापद अध्याय, योनि व्यापद अध्याय है। तो यहाँ पर योनि व्यापद रोगों के बारे में लिखा गया है, तो 20 योनि व्यापद रोग होते हैं, 20 योनि व्यापद
रोग होते हैं इसका वर्णन है। इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं इसमें शुक्र और अन्य चीजों का वर्णन है। तो देखते हैं कि इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं कि फेनिलम का मतलब क्या है। फेनिलम या जो भी चीजें हैं एक एक करके देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि चरक के कारण जो 8 शुक्र दोष है उसके बारे में देखेंगे। तो फेनिलम का मतलब होता है कि आपका फेनिल का मतलब क्या होता है, ये दिया हुआ है जिस शुक्र फेन मिला हो, मतलब फेन से युक्त। फेनिलम का मतलब फेन से युक्त, झागदार, फेन से युक्त, या सिंपली हम इसको कहेंगे झागदार, झागदार। दूसरा पॉइंट हम लोग देख रहे थे तनु। तनु का मतलब होता है बहुत ही कंसंट्रेटेड बताया गया था, तो यहां पर तनु क्या है, बहुत ही डाइल्यूट। एक तरह से तनु मतलब पतला, तनु का मतलब होता है पतला। तो हम लोगों ने जब शुद्ध शुक्र पढ़ा था तो शुद्ध शुक्र में क्या था कि वहां पर बताया गया था कि वहां पर कंसंट्रेटेड बताया गया था, मींस यहाँ पर बोला गया है तनु मतलब पतला, तो डाइल्यूट इसको हम लोग कह सकते हैं डाइल्यूट, डाइल्यूट। उसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर पे रुच। तो रुच, रुच का मतलब होता है खारापन। तो रुच का मतलब होता है शुक्र में रूखापन, तो इसको बोलते हैं रूखापन, रूखापन। तो जबकि हम लोगों ने देखा था शुद्ध शुक्र क्या होता है, स्निग्ध होता है। शुद्ध शुक्र क्या होता है, शुद्ध शुक्र, शुद्ध जो क्या होता है वो स्निग्ध होता है। स्निग्ध मतलब स्मूथ। और हम लोग देख रहे हैं कि जो दोष है वो रुचता उसमें है, रूखापन है, जबकि शुद्ध क्या था, स्निग्ध था। और नेक्स्ट देखेंगे कि विवर्ण मीन्स, विवर्ण मीन्स होता है कि जो शुद्ध शुक्र होता है स्फटिक आभम था। शुद्ध शुक्र क्या था, शुद्ध वाला क्या था, शुद्ध जो था स्फटिक, स्फटिक काभम बोला गया था, स्फटिकाभम मीन्स स्फटिका के समान श्वेत बोला गया था। लेकिन ये विवर्ण है, मीन्स श्वेत न होकर श्वेत वर्ण से अन्य रंग, तो यहां लिखेंगे श्वेत वर्ण से, श्वेत वर्ण से अलग अन्य वर्ण का होना। मीन्स शुक्र का जो वर्ण है स्फटिकाभम में श्वेत न होकर उससे इतर होना, मीन्स चाहे उससे अलग कोई भी वर्ड होना, उसको कहेंगे विवर्ण, मीन्स वर्ड ओरिजिनल वर्ड ना होके उससे अलग हो गया हो। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि पूति। तो नेक्स्ट है पूति। पूति का मतलब होता है कि दुर्गंधित। तो पूति का मतलब क्या है, दुर्गंधित, जबकि इसका गंध क्या था, मधुगंधी था। तो इस पूति का मतलब होता है दुर्गंधित, दुर्गंधित, जबकि जो शुक्र शुद्ध था क्या था, वो था मधुगंधी, मधु, जो शुद्ध शुक्र था वो क्या था, मधुगंधी था, जबकि जो शुक्र पूति जो दोष से युक्त शुक्र है वो क्या है, दुर्गंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें पिच्छिलम, पिच्छिल देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो पिच्छिल का क्या मतलब है कि पिच्छिलम, पिच्छिल का मतलब क्या है कि अत्यधिक चिपचिपा, अत्यधिक चिपचिपा, अत्यधिक चिपचिपा, चिपचिपा, अत्यधिक मात्रा में चिपचिपा होना, यहाँ पर पिच्छिल का मीनिंग दिया हुआ है। अब उसको थोड़ा सा हटाते हैं, हम लोग का पेज कंप्लीट हो गया है। तो आइए उसके बाद देखते हैं कि अन्य धातु उपसिस्टम। अन्य धातु उपसिस्टम का मतलब होता है कि रस, रक्त, मांस में इत्यादि अन्य धातुओं से, साथ धातुओं से अगर जो शुक्र होता है वो मिल जाता है तो उसको बोलते हैं अन्य धातु उपसिस्टम। और एक लास्ट पॉइंट है अवसाद, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवसाद। तो इसमें बोला जाता है कि अगर मन ग्रसित है, मन अगर कंडीशन अवसाद की कंडीशन में होगा तो कहीं ना कहीं शुक्र में जो दोष होगा उसको अवसाद दोष माना जाएगा, और अवसाद की कंडीशन में जो संतान उत्पन्न होगा वो कहीं ना कहीं अवसाद से ग्रस्त पाया जाएगा।
इसको बोलते हैं अवसाद। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आठ इस तरह से शुक्र दोष की यहाँ पर बात कर दी गई है। आइए बात करते हैं कि जो ये आठों शुक्र दोष हैं, आठ शुक्र दोष हैं, इसमें दोष का इन्वॉल्वमेंट या कौन सा किस दोष से इन्वॉल्व है, तो देखते हैं कि यहां पर देखेंगे कि जो तीन जो दोष होते हैं वात पित्त कफ, सिंपली हम लोग देखते हैं वात पित्त और कफ, इसी तीन में हम लोग इसे आठ को डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर देखेंगे कि वात दोष से दूषित इसमें आठ में से कौन कौन से हैं, तो देखेंगे फेनिलम तनु और रुच्छम। फेनिल तनु रुच्छ मीन्स फेनिल तनु और रुच्छ, ये तीन शुक्र दोष है, ये वात दोष से पीड़ित है। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि पित्त से पित्त दोष की वजह से कौन कौन से शुक्र दोष है, यहाँ पे देखेंगे विवर्ण और पूति। विवर्ण मीन्स होता है कि जो शुक्र होता है वो स्फटिक के समान जो होता है एक्चुअल में जो नॉर्मल कंडीशन में, बट ये जब दूषित होता है तो विवर्ण हो जाता है, मीन्स श्वेत ना होकर अन्य वर्ण का होना, लाल हरा नीला पीला इत्यादि कलर का होना लोग बोलते हैं विवर्ण। तो विवर्ण और पूति, विवर्ण विवर्ण और पूति, पूति मतलब दुर्गंधि, तो ये विवर्ण और पूति जो है पित्त दोष की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है, चरक में बताया है। उसके बाद देखेंगे कफ दोष की वजह से कौन कौन से इस आठ में से आते हैं, बचे हुए तीन दो पांच बचे तीन, पिच्छिल, इसमें देखेंगे पिच्छिल है अन्य सभी जो है, जो अन्य बचे हुए जो है ये क्या हो जाएगा, इसमें पिच्छिल भी आ जाएगा आपका, पिच्छिल अवसाद आ जाएगा इत्यादि जो है कफ दोष के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शुक्र दोष के बारे में, तो यहाँ पर एक तरह से हम लोग का ये क्लियर हो जाता है कि सुश्रुत ने जो शुक्र दोष की संख्या 11 मानी है और चरक ने किस तरह से 8 मानी है, इस तरह से हम लोग का शुक्र दोष वाला पार्ट कंप्लीट होता है। धन्यवाद।